हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हम जा रहे हैं एक फन फेयर पे, बल्कि नहीं ये नहीं कहना था मैंने मैंने कहना था मैंने मदरसे के लिए पार्टी अरेंज की। ओके सो यस लेट मी क्लोज इट। ओके हमने स्पेशली मदरसे की बर्थडे के लिए अरेंज किया बिकॉज टुडे इज हिज बर्थडे। ये ओके सो ये है जनाब मरीन क्लब और आज यहाँ पर एक फन फेयर है। हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि दे आर हैविंग स्टॉल्स हियर। ये है जनाब फुजेरा और फुजेरा एक छोटी सी एमिरेट है। मोस्टली लोग सिर्फ दुबई या अबू धाबी को जानते हैं, शारजा को भी जानते हैं, लेकिन फुजेरा के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये यूएई का हिल स्टेशन आप उसे कह सकते हैं। मौसम भी यहाँ का कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर होता है, यहाँ पर काफ़ी बारिशें भी होती हैं। और सबसे मज़े की चीज़ है कि ये एक बहुत छोटा सा टाउन है, सो यहाँ पर आपको हर चीज़ पास पास में मिल जाती है, ज़्यादा रश नहीं होता और बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं जैसा कि ये फ़न फेयर है। यहाँ पर एक ये एकेडमी थी जो बच्चों को मरीन स्पोर्ट्स सिखा रहे थे, तो हमने ट्राई की कि हम माहिर रहीम को भी इन्वॉल्व करें इसके अंदर। अगर तो उनको पसंद आता है तो हम उनको भी इनरोल कराएंगे और ताकि वो कुछ न्यू स्किल्स सीख सकें, क्योंकि आगे इस विंटर वेकेशन आ रही हैं तो बच्चों को बिजी रखना जो है वो एक बहुत बड़ा काम होता है। एंड दे आर गिविंग दैट ट्राई सेशन। आई होप कि माया राहिम मान जाए जाने के लिए। सो Let's go, Maya Rahim. Let's give it a try. Yes. Hi. We are trying कि हमारे बच्चे मान जाएं इसके लिए। मैंने मायर को पूरी मोटिवेशन दी है कि जब आप ये सीख लोगे तो हम अपनी बोट लेंगे, जब हम अपनी बोट लेंगे तो तुम मुझे मायर को, मुझे मामा को और राहिम को बिठा के बोट पे राइड करना। मायर डिडंट बाय दिस। राहिम मायर नो, मायर बॉट इट। मायर इज गोइंग या इन दिस वन। बच्चे रेडी हो रहे हैं जनाब जाने के लिए बोट राइड पे। एक बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है बच्चों के लिए कि उनको बोट्स चलानी सिखाई जाती हैं ताकि वो वाटर के साथ कंफर्टेबल हो सकें और एक न्यू स्किल आ जाए उनके अंदर। सो हमने भी ट्राई किया कि हम इन्हें भेज के देखें कि कैसा रहता है और अमेजिंगली दे बोथ लाइक इट। और इंशाल्लाह हम लोग प्लान करें कि हम इनको इनरोल कराएं इस एक्टिविटी के लिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। और ये वापस आ रहे हैं बस बोट राइड से, जाते हुए थोड़े डरे हुए थे बट वापस आते हुए दोनों ही काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और यस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहेंगी साथ साथ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कुछ लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, बिकॉज़ आई रिमेंबर जब हम लोग यहाँ मूव हो रहे थे तो बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम पूछना चाह रहे थे लेकिन कोई मिल नहीं रहा था कि किससे पूछें। सो अगर हमारी वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है तो दैट इज़ सो गुड। और ये वापस आ चुके हैं जनाब। हाउ वाज इट राहिम? राहिम हाउ वाज इट? राहिम इज कमिंग बैक स्माइलिंग। नेक्स्ट वीडियो जो हम प्लान कर रहे हैं वो होगी रेंट्स के ऊपर कि कहाँ पर कितने रेंट्स हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को, लेट्स गो। ट्रेनिंग एकेडमी टू टीच किड्स अबाउट वाटर स्पोर्ट्स, दीज आर द बोट्स ऑन व्हिच दे ट्रेन, दिस कायाकिंग एंड दिस वन एंड दिस वन, एंड वी आर थिंकिंग टू एनरोल मायर एंड राहिम फॉर दीज थिंग्स। So sunsets, अब हमारी वीडियो काफी डार्क हो गई है बट लुक एट दिस,
ब्यूटीफुल स्काई. आई एम इन लव विद फुजेरा स्काई. Madam, we are marketing our jeans. We are located in Century Mall. I've already followed them on Instagram. Oh, thank you. Just, well. Thank you so much, sir. Just put your name, madam. But I don't know if mine as well? He has yes. already done it. Yes, for you, madam. Yeah, just for okay, so what will I win? Maybe you will win the membership for 1 month. It's the wrong place to say. Okay, let's do this. तो ये है जनाब यहाँ का एक बहुत ही फेमस किस्म की डिश शवारमा. शवारमा यहाँ पे काफ़ी फेमस है. अरबिक शवारमाज आर क्वाइट पॉपुलर एक्सपैट्स में भी और अरबिक लोगों में भी. ये थे इनका तरीका बनाने का. हमारे यहाँ वहाँ पर पीटा ब्रेड यूज़ होती है. ये भी उसी टाइप की चीज़ है बट कुछ डिफरेंट होता है और इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं. पिकल्स वगैरह ऐड करते हैं लेकिन ये मैं बच्चों के लिए बनवा रही थी तो मैंने इसमें पिकल्स नहीं डलवाए. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी इस फन फेयर में, जैसे कि ये है कलरिंग बच्चों के लिए, पेंटिंग और कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही खूबसूरत तरह से वो लाइव कैलीग्राफी कर रहे थे. मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह किसी को लाइव कैलीग्राफी करते हुए देखा है. सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. बच्चों के लिए यहाँ पर म्यूज़िक थे, म्यूज़िकल शो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे. आप परचेज़ भी कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी जो थी वो पेंटिंग्स भी थी यहाँ पर. और ये पुलिस का स्टॉल है. पुलिस बच्चों के साथ काफ़ी इंटरेक्टिव और बहुत ही एक नाइस जॉली किस्म के एटीट्यूड में होती है ताकि वो उनको अपने साथ थोड़ा कंफर्टेबल कर सकें इंस्टेड कि उनको डराएं. सो यस, बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस थे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए. दिस इज़ द स्टॉल ऑफ माई फ्रेंड जिनको हम सपोर्ट करने गए थे और इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. बहुत मज़ा आया एंड वी सपोर्टेड एज मच एज़ वी कैन. और इसके बाद हम चलते हैं बाकी स्टॉल्स को देखने के लिए. ये बहुत ही मज़े का एक स्टॉल मुझे लगा था. ऑल दो कि मुझे पियानो बजाना, गिटार बजाना नहीं आता बट स्टिल हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी. और पाकिस्तानी फूड भी अवेलेबल था यहाँ पर बहुत मज़े का. काफ़ी अच्छी इवनिंग गुजरी हमारी. लेकिन यस, थकान भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि वीक डे था. ऊपर से मुदस्सिर की बर्थडे थी तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया इस दिन को और फिर घर आके हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. So this brings us to the end of this video. If you liked it, please give this video a big thumbs up and subscribe to the channel. Bye-bye.